नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज नरक चतुर्दशी है, कल दीपावली है, परसों गोवर्धन पूजा है और उसके बाद भैया दूज है। तो मेरी तरफ से सभी दोस्तों को इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। दुनिया नींद से जागी जरूर पर अभी भी पुनींदी है, यही आलस्य और लापरवाही कहीं ना कहीं लोगों पर भारी पड़ रही है। खासतौर से जिस प्रकार पिछले 29 वर्ष से मदरसा पद्धति का प्रसार हुआ उसने दुनिया को अस्थिर करने का काम किया है। संभवतः बोरिस जॉनसन का मुल्क अब इसी मदरसा पद्धति की चपेट में आ गया है। पाकिस्तानी मदरसे से निकली फंटर जमाते जिन्होंने दाढ़ी बढ़ाकर और जालीदार टोपी सिलवाकर छुतंदर से निकलने वाली अस्वीकार्य गंध ब्रिटेन में फैलाई है, उससे यहां भी सांस लेना दूभर होता जा रहा है। डेढ़ गज का तहमंद पहनकर और 9 इंच की दाढ़ी रखकर उसके झोंके से यह इस्लाम को इंतकाम का रूप दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यह सारे फंटर पाकिस्तानी है और इनमें 82% लोग होमलेस है जो ब्रिटेन की सड़कों किनारे रात गुजारते हैं। 12% वो पाकिस्तानी भी हैं जो लंदन की सड़कों पर दिन में होमलेस के कनस्तर लेकर भारतीयों से भीख लेते हैं। 6% पाकिस्तानी झोली पसार कर भीख मांगते हैं। यानी यह उधेड़क 27 अक्टूबर को लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने गधैया नृत्य का प्लान बना रहे हैं। मतलब भारतीयों से जो भीख इन तहमंदबाजों ने इकट्ठी की उसी पैसे से ये बस को किराए पर उठाएंगे। वैसे भारतीयों को भीख देते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि भिखारी की दाढ़ी और उसके तहमंद का साइज क्या है। मतलब भीख लेने वाला भिखारी कहीं पाकिस्तानी तो नहीं है, क्योंकि विदेशों में गए अधिकतर पाकिस्तानियों का रोजगार यही है। यही पैसा पाकिस्तान में डॉलर के रूप में आता है और इसी डॉलर से पाकिस्तान चलता है। इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान भीख पर पल रहा है। ऐसे पाकिस्तानी टोपीबाजों से लंदन भरा पड़ा है। पिछले कुछ सालों में यहां बार्बर की दुकानों में कमी आई है। जिधर देखो लाल पीली दाढ़ियों वालों की संख्या बढ़ रही है। इन्हीं कुकरमुत्तों ने तहरीके कश्मीर संगठन बनाया है। यह संगठन 1985 में बना था और तब इसमें 2 तहमंदबाज हुआ करते थे। खास बात यह है कि वर्तमान में इसमें कश्मीर का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। सारे के सारे पाकिस्तानी कौम की भिखारी जमात है। इनका कहना है कि 27 अक्टूबर को कश्मीर के लिए स्वतंत्रता मार्च में शामिल होकर विरोध करेंगे, जिसमें 25,000 लोग शामिल होंगे। यदि लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर विरोध करने के लिए अदालत इजाजत नहीं देती है तो वे डिजिटल अभियान की शुरुआत करेंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि ये वही पाकिस्तानी मुल्ला है जो फोटो खिंचवाना भी हराम मानते हैं, पर चूंकि इनकी दाढ़ी की लंबाई हद से ज्यादा बढ़ गई है ऐसे में इनके तहमंद पारदर्शी नहीं होते। आर्टिकल 12 लोक आदेश अधिनियम 1986 के तहत मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने विरोध पर प्रतिबंध लगाया है। पुलिस ऑपरेशन के गोल्ड कमांडर प्रभारी DAC मैट्विस्ट ने कहा है कि प्रदर्शन में भाग लेने वालों के साथ पुलिस मौजूद रहेगी। उन्होंने कोई शरारत की तो फिर पुलिस उनके तहमंदों पर काल बनकर टूटेगी। वैसे लंदन पुलिस को चाहिए कि तहमंद से ज्यादा इनकी दाढ़ियों को कुतरना जरूरी है, क्योंकि दुनिया में सारे फसाद की जड़ यही दाढ़ी है। इस दाढ़ी की वजह से अर्थव्यवस्था का भी बड़ा अहित हो रहा है। बार्बर का व्यवसाय ठप पड़ गया है जिससे इस रोजगार में कमी आई है। बावजूद इसके धार्मिक ट्रस्ट ज्यादा बन गए हैं जहां टैक्स जैसा कोई नियम लागू नहीं होता। दाढ़ी से बचाया गया सारा पैसा इधर ही ट्रांसफर हो रहा है और दुनिया को अस्थिर करने का काम कर रहा है। लंदन में दुनिया यही सब तो महसूस कर रही है। लंदन में मेयर सादिक खान जैसे जिहादी का नाम लेकर वहां हिंदुओं सिखों और भारतीय मुसलमानों को डराया जाता है, जबकि यहां रहने वाले ईसाई भी खौफ में है। खास बात यह है कि लंदन पूरी तरह इस्लामोफोबिया का शिकार हो चुका है। ब्रिटेन में कई इलाके ऐसे हैं जहां ब्रिटिश पुलिस की एंट्री बैन है। इन इलाकों को नो गो जोन कहा जाता है। प्रेस्टन जैसा इलाका उनमें से एक है। इसका मतलब यह है कि यह लोग जहां रहते हैं वहां अपराध का ग्राफ भी बड़ी तेजी से बढ़ता है। समस्त दुनिया और खास तौर से अमेरिका अब यह बात समझ चुका है।
कमाल की बात यह है कि पाकिस्तानी फंटर अब अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में शरिया कानून की मांग भी कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ब्रिटेन के इतिहास में ईसाइयों की आबादी 60% पर आ गई है, जबकि वैध पाकिस्तानियों की आबादी 5% है। 3% पाकिस्तानी भिखारी अवैध तरीके से ब्रिटेन में घुस चुके हैं। यूएसए की तरह ब्रिटेन में भारत का ज्यादा प्रभाव नहीं है। फिर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन भी इन पाकिस्तानी टोपीबाजों के सामने हार मान गए थे। बोरिस जॉनसन कुछ सख्त हुए हैं। इसे मोदी सरकार का कूटनीतिक दबाव भी माना जा सकता है, लेकिन जो दबाव इन फंटर लोगों का वहां की सरकार पर है उसके मुकाबले यह अधिक प्रभावी नहीं हो पा रहा है। बेहतर यह हो कि 27 अक्टूबर को कैमंद लहराने की बजाय ब्रिटेन पुलिस की लाठियां लहराई जाए, साथ में ब्रिटेन पुलिस को कैचिया भी दी जाए, ताकि इन फंटर और जिहादी तत्वों की भली प्रकार संगतराशी हो सके, क्योंकि यह पाकिस्तानी तहमन और दाढ़ी जा भी होती है अपने साथ में रक्त चूसक जीव और गंदगी साथ लेकर चलती है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।